हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब्स रूप के। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, उससे पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसका सेपरेट अलग वीडियो में मैंने बना रखा है, क्यूब्स एंड हाउ टू फाइंड क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। तो आप चाहते तो उसको आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है by which the given number must be multiplied, जिससे कि आप एक जो छोटा सा नंबर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करो ताकि वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा नंबर फाइंड करो, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको आप गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन 2 है। आपके पास जो भी बुक रहेगा आप उसमें चेक कर सकते हो, ये स्टेट बोर्ड वाले भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो बुक को ओपन करो और देखो एक्सेस क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट के चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम्स में आते ही आते हैं, मोस्टली चांसेस होते हैं आने के। तो चलो मैं अभी पहला क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ पे क्या है, 243। तो जब भी आपको क्यूब रूट फाइंड करना है कि क्यूब रूट है कि नहीं है, उसके लिए आपको फैक्टर्स निकालना ही पड़ेगा। अगर पता भी करना है कि ये इसका क्यूब रूट निकालो तो उसके लिए भी आपको फैक्टर्स निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, 243, तो 243 का आपको फैक्टर्स निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 3 8 24 एंड देन 3 1 3 देन 3 2 6 7 8 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स उसका निकाल लिया। अब हमने फैक्टर्स निकाल लिया, अब इसको लिख दो आप, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3 4 5। तो हमने, क्योंकि अगर आप 243 को 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 243। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसके फैक्टर्स 5 टाइम्स 3 आए हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं हमको पेयर बनाना है, कितने के, 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये हमने देखा, ये तीनों, ये जो है 3 के, एक तो पेयर बन गया, बट ये जो 2 3 है रह गया। अगर एक हम और 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी, इसका पेयर भी बन जाता। तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि आप मल्टीप्लाई करो तो आप पेयर्स बना दोगे। तो एक तो पेयर कंप्लीट हो गया, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हम एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 3 है, जिससे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाईड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। तो अगर हम 243 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 9 4 3 12 2 carry 1 3 2 6 7। हाँ, तो अगर 729 का, देखो ये 3 साइड में, देखो यहाँ पे 3 और एक और 3, तो ये क्या हो गया, 3 3 9। तो क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होता है, 9। तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारा बन गया ये परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे भी आ गया 729 और यहाँ पे क्या आ गया, 9। तो इसी तरह आपको किसी भी नंबर का फाइंड करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द फैक्टर्स एंड फैक्टर्स निकालो और देखो जो भी पेयर नहीं बन पा रहा है किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ आपको। जैसे आपको ये है 9, तो आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो आप 3 9 का जब परफेक्ट क्यूब निकालोगे, सॉरी फैक्टर्स निकालोगे, तो क्या जाएगा, 9 है तो 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ क्या हो गया, 3 into 3। अब ये पेयर तो नहीं बना पा रहा है, एक और हमको 3 चाहिए, तो इसीलिए हम इस साइड अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3 3 9, यहाँ पे 3 into 3 और यहाँ इक्वल टू है, तो 9 को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3,
तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 27, और यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो ये 3, इसीलिए परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, और अगर वही 9 है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ था तो हमने निकाल लिया कि गिवन नंबर है उसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे दे रखा है 72 कि फाइंड करो कि 72 में हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 72 का फैक्टर्स निकाला, 2 3 6 1 2 6 12, यानी 2 1 2, 2 8 16, एंड 2 9 18, 3 3 9, एंड 3 1 3। तो इसका आ गया फैक्टर्स क्या, 3 times 2, यस, एंड देन 2 times 3। तो हमने लिख लिया 2 multiply 2 multiply 2 3 times, एंड ये 2 times। तो यहाँ पे एक और हमको 3 चाहिए, तो ये भी इसका भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 multiply 2 2, ये एक पेयर बन गया। इसी नंबर में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह आप किसी भी नंबर का आपको बोले कि फाइंड करो कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्टर्स निकालो और अब देखो कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जितने भी पेयर बच जाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज़ अगर मैं लेती हूँ कोई एग्जांपल और किसी का अपने फैक्टर्स निकाला, तो ये आ गया 3 multiply 3 multiply 3 एंड मल्टीप्लाई 2। तो इसमें आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ये 3 का तो पेयर बन गया, बट ये 2 सिंगल में है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 और 2 और 1 और 2। इट मीन्स हमको इससे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, किसी का भी सपोज कोई भी नंबर हो जिसका फैक्टर्स ये आया 3 multiply 3 multiply 3 multiply 2, तो हमको इसमें कितने 2 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मीन्स हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना बुक ओपन करो और देखो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का दिया हुआ आपके बुक में, उससे और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है आप उसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके दे दूँगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।